समाज का हर तबका, हर उम्र के मेरे साथी इस महाअभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऊना की ऐतिहासिक सोनभद्रा नदी इन दिनों जनता और कई संस्थानों के लिए कार्यस्थली बन गई है। बगैर सरकारी मदद के इस नदी की सफाई का जिम्मा जन कल्याण मंच ने खुद उठा लिया है। इसके लिए शहर के लोगों को जन कल्याण मंच प्रोत्साहित भी कर रहा है। नतीजा यह है कि आज जन कल्याण मंच में 20 लोगों के साथ साथ शहर के लोग इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुद और समाज को भी जागृत करने का अपनी ओर से प्रयत्न करता हूँ, ये घटना पूरा करने का। दूषित हो चुकी सोनभद्रा नदी की सफाई करते ये लोग जन कल्याण मंच के सदस्य हैं, जिन्होंने ऊना जिले में 45 किलोमीटर तक फैली नदी को साफ करने का जिम्मा उठाया है। सोनभद्रा नदी को ऊना जिले की जीवन धारा कहा जाता है, लेकिन इसकी हालत काफी खराब हो गई है। कचरा और कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी बहने की वजह से नदी का पानी बेहद दूषित हो चुका है। जल जीवन भी तेजी से प्रभावित हुआ है। इस दिशा में कई बार लोगों ने स्थानीय प्रशासन को ताकीद की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज इस नदी की स्वच्छता की दिशा में एक ऐसे मंच का साथ मिला है जो न सिर्फ इसकी निर्मलता को लेकर गंभीर है, बल्कि इसकी स्वच्छता हमेशा बरकरार रखने के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जन कल्याण मंच की। 20 सदस्यों वाली जन कल्याण मंच के इन दिनों सोनभद्रा की निर्मलता का बीड़ा उठा लिया है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मंच के सभी सदस्य हफ्ते में 3 से 4 बार नदी की सफाई करते हैं और भारी मात्रा में गंदगी को बाहर निकालते हैं। हर नागरिक को कम से कम 1 घंटा रूटीन में प्रतिदिन अपने गली मोहल्ले की सफाई या नदियों की सफाई या स्कूलों की सफाई, जो अपने प्लेस हैं, जो स्थान है ऐसे कि जहाँ पे हर कोई एकत्रित होता हो, तो वहाँ पे उनकी चीजें मतलब खुद की प्रेरणा से ही करना चाहिए इसको। अभी हमने ये काम शुरू किया था और हम लगातार इसको 102 दिन तक हमने चलाया। फिर बाद बीच में बरसात के कारण हमने काम ही रोका है। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, चाहे हम 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, हम लगे रहते हैं। जन कल्याण मंच के प्रधान का कहना है कि उन्होंने सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने और खुद सफाई करने की शपथ ली है, लेकिन इस दिशा में स्थानीय लोगों की ओर से भी सकारात्मक पहल की कोशिश की जा रही है।